नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर, मेरे साथ है मेरे कोवर्कर, मेरे साथ है एंकर शिवानी रौतेला और हमारे साथ है हमारे एडमिन और पीआर हेड मिस्टर अनिल चौहान। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, पीछे तस्वीरें देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का मुद्दा क्या है बात करने के लिए, लेकिन आप जब वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस मुद्दे के बारे में आप सोच रहे हैं हम उससे थोड़ा हटके आपके साथ बात करने वाले हैं। देखिए, सीमा हैदर का सचिन का जो केस है, पबजी से ये जो लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, इस केस को लेकर कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसके विपक्ष में है। हम भी इसी पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा शिवानी से, शिवानी इस केस को लेकर या ये जो लव स्टोरी है, जो गदर थ्री जिसे कहा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि ये सही है गलत है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार करना गलत है? नहीं है, किसी ग्रंथ किसी चीज में ऐसा नहीं लिखा कि प्यार करना गलत है। तो सीमा का प्यार गलत कैसे? सीमा ने सीमा ही तो पार की है, बेशक उसने गलती कर की है कि वो नेपाल के बॉर्डर से आई है, कुछ भी आई है, लेकिन वो अपने प्यार के लिए आखिरकार हिंदुस्तान आ गई, क्योंकि कई लोग तो ऐसा कदम उठाते भी नहीं है, बहुत गलत कर लेते हैं अपने साथ लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन वो आ गई, अब पूरा चर्चा का विषय बनी हुई है। अब अनिल जी, आपसे सवाल है कि आप सीमा को लेकर उसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में, आपको क्या लगता है सीमा ने सही किया? देखिए, मेरे प्रोस्पेक्टस से मैं अगर बोलूंगा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीमा ने जो भी किया है, लाइक उसे प्यार हुआ किसी से, अब वो प्यार कर बैठी है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। प्यार अचानक से होता है, बिल्कुल, और उसमें किसी का दोष नहीं होता है। वो प्यार हो सकता है वो उससे भी ज्यादा एजेड व्यक्ति से, पाकिस्तान में भी हो सकता था। अब वो इत्तेफाक रहा कि वो पबजी खेलते खेलते उन्हें प्यार हो गया, किसी को सब्जी बेचते बेचते किसी राह चलते इंसान से प्यार हो जाता है, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। आपने ये जो बात कही कि अब ये अलग बात है कि उसे पाकिस्तान में किससे प्यार हो सकता था, मैं थोड़ा सा आपको काटूंगी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में कई सारी वीडियोस सामने आ रही हैं, ये वीडियोस हमारी नहीं है, ये वीडियो किसी भी हिंदुस्तानी की नहीं है, ये वीडियो है उन लोगों की जो ताल्लुकात रखते हैं सीमा से, यानी कि वीडियोस आ रही हैं पाकिस्तान से जिसमें सीमा के ही जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई सीमा का एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, पांच छह जगह पाकिस्तान में अफेयर ऑलरेडी था। उसका एक बॉयफ्रेंड भी सामने आया वीडियो में, इतना ही नहीं, सीमा की एक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जिसकी वीडियो भी सामने है, जिसने कहा कि भाई सीमा बहुत ज्यादा चालाक लड़की है, हजारों उसके अफेयर रह चुके हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही प्यार उससे, एक से सचिन से हो गया तो वो उड़ के आगे, क्या पता इसके पीछे कोई और मकसद हो? नहीं, देखिए, ये आपकी नजर से आप देख रहे हो, अगर सीमा ने जो बोला है अपनी फ्रेंड के लिए, उसने बोला है कि वो झूठ बोल रही है, अब क्या पता सीमा सही करी हो, वो झूठ बोल रही है, तो सामने वाला तो यही कहेगा कि वो झूठ बोल रही है। नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैं इंसान नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं शिवानी, बिल्कुल, लेकिन अभी सच्चाई तो हमें भी नहीं पता। आप किस हिसाब से कह सकते हो कि हाँ ये सीमा झूठ बोल रही थी, उसकी फ्रेंड सच बोल रही थी? कह हम भी सही नहीं सकते कि उसकी फ्रेंड सच कह रही है, मतलब जो जब तक सच सामने नहीं आता, जब तक खुद अपने मुंह से दोनों पार्टी एकदम सामने बैठकर नहीं बोल पाती, तब तक हम किसी को भी सच्चाई नहीं पता चलेगी। मैं आपके इत्तेफाक रखती हूँ कि ठीक है, वो पाकिस्तान छोड़ के आई है, पाकिस्तान छोड़ के आने की वजह से लोग वहां के उसके खिलाफ हो सकते हैं, लोग वहां से उसके खिलाफ बातें करेंगे, जाहिर सी बात है कि उसने अपने देश को दगा दी है। लेकिन एक और बात, जिस तरीके से वो हिंदुस्तान आई है वो तरीका सही है? प्यार में कोई इंसान कोई सीमा नहीं देखता, जैसे कहते हैं, क्या पता आ गई हो। लेकिन मैं आपसे शिवानी आपकी बात करके पूछूंगी कि आपके लिए आपका देश बड़ा है या आपका प्यार बड़ा है? मेरे लिए बेशक देश होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके अलावा उसने सोचा होगा कि क्या पता ये आखिरी मौका, पहला और आखिरी मौका मिलेगा, क्योंकि आपने अगर वीडियोस देखी होंगी उसकी, तो उसने बोला था कि अब मैं आ गई हूं, मैंने सचिन को देख लिया, अब मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार मरने से पहले उसने आखिरी इच्छा, बेशक वो मरी नहीं है, लेकिन आखिरी इच्छा तो उसकी पूरी हो गई ना कि देख लिया। आपके लिए क्या देश बड़ा है अपना, कि आपके लिए प्यार बढ़ा, कि आपको किससे प्यार हो गया और आप ऐसे तरीके से उससे मिलने पहुंच गए जो तरीका कतई सही नहीं हो सकता? स्वाति, मैं देखो कहना चाहूंगा कि प्यार अंधा होता है बेसिकली, और सीमा ने ये साबित किया है कि प्यार सच में अंधा होता है। अब मैं देश देखने की स्थिति में, लाइक मेरे को प्यार हुआ होता तो मैं अपने हिसाब से सोचता कि मैं देश देखूं या प्यार देखूं, उसकी नजर में देश से बढ़ के शायद प्यार रहा हो, या वो उन चीजों से वाकिफ ना रही हो कि अगर मैं ये प्रोटोकॉल तोड़ती हूँ, तो क्या वो सही तरीका नहीं अपना सकती थी आने का? मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ, मे भी उसे ना पता रहा हो कि ये प्रोटोकॉल के तहत है या ऐसा कुछ। आपने अगर नोटिस करोगे और पाकिस्तान के
आपसे संबंधों को नहीं जानती है कि उसे नहीं पता हो सही तरीका। लेकिन अगर आपने उसकी एक वीडियो देखी होगी तो उसने बोला था कि मैं 4 महीने से पासपोर्ट के चक्कर, वीजा के चक्कर काट रही हूँ। उससे पहले भी एक बार नेपाल आ चुकी थी जहाँ पे उसकी और सचिन की मुलाकात हुई थी। सचिन दूसरी बार उससे मिलने के लिए नेपाल गया था और वहां पे फिर उन्होंने शादी की। मतलब पहली बार जब वो आई उसने पूरा रूट जो था ट्रैक कर दिया। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सीमा कह रही है वो पूरी तरह से झूठ है या जो हम चीजें देख रहे हैं पूरी तरह से झूठ है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है मैं बस उसकी बात करना चाहती हूँ कि जो रूट उसने पहले अपनाया था पाकिस्तान से नेपाल आने का, ठीक है, उसने पूरा रास्ता। लेकिन स्वाति एक बड़ा क्वेश्चन ये नहीं उठता कि हमारी इंडिया की जो फौज है वो क्या कर रही है? प्यार तो वो तब आता है ना, उठता है कि वो लोग कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे, वो यहाँ तक पहुँच गए, ये सवाल जो है ये उठता है। लेकिन बात अगर सीमा की करें क्या पता हो सकती है वो पाकिस्तानी स्पाई हो, लेकिन जिस तरह से सही बात है ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में इतनी कमी थी कि उसने बॉर्डर क्रॉस किया नेपाल का और वो पहुंच गई हिंदुस्तान। पाकिस्तानी महिला सीमा जिसने कि हमारे देश में प्रवेश किया उसने अपने मुंह से ये चीज बोली है कि जो सिक्योरिटी थी वहां पर वो किसी का पासपोर्ट चेक कर रही थी, डॉक्यूमेंट चेक किसी का नहीं कर रही थी, किसी का नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हमारे देश का या नेपाल से उसकी किस्मत भी कह सकते हो, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो प्यार के लिए आई और बिना पासपोर्ट के चेक करवा लिया। आपका ये जो बार बार कहना है कि प्यार के लिए, ये हम यहाँ पे अपनी सुरक्षा की कमी को जरूर रखेंगे एक सामने, उसी के राह चलते तो हुआ है। अगर सुरक्षा की कमी नहीं रहती तो वो पाकिस्तान में ही होती, अभी क्यों इतना खत्म भाई। ठीक है, अब वो चलिए पहुंच गई यहाँ पे पूरी तरह से, पुलिस जो है उस पे तैनात है, ठीक है, उसका केस जो है वो ATS को भी सौंप दिया गया है, उस पे अब जांच पड़ताल चल रही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो प्यार का मुद्दा, जो ये प्यार का ये जो फूल खिला है, कमल खिला है, थोड़ा इस पर अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कह रही हैं कि प्यार के लिए कोई इंसान इतनी दूर आ गया है, अपने 4 बच्चों को लेके वो हिंदुस्तान में पहुंच गया। अब ये वाले सवाल भी शायद आपके जहन में भी होंगे कि भाई 4 बच्चों को अगर कोई औरत लेके आई है तो जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, ये गलत शायद आप एग्जैक्टली चार बच्चे लेके भाई वो उनकी जान क्यों खतरे में डालेगी। अगर सही ऐसा कुछ मतलब क्योंकि ऐसा भी कुछ होता है ना कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो कुछ तो ऑन द स्पॉट कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उनके कि नहीं करते, तो वो अपने 4 बच्चों की जान क्यों खतरे में डालेगी, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल 4 बच्चों को लेकर बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं। एक माँ के दिल से जब आप सोचोगे स्वाति, अगर लाइक जिसके वो 4 बच्चे हैं वो माँ है उनकी खुद स्वतः, अब वो जिनकी माँ है कोई माँ नहीं अपने बच्चों की जिंदगी कभी खतरे में डालना चाहेगी, और वो भी 4-4 बच्चों की किसी प्यार के चक्कर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इससे तो ये जाहिर होता है ना कि उसने अपने बच्चों की भी अगर जिंदगी खतरे में डाली है तो उसके लिए सचिन से मिलने से बड़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं था। यानी कि अब आप देश देखोगे, अपने बच्चे देखोगे, आप प्यार देखोगे, मतलब उसने अपने बच्चों की अपने जिंदगी खतरे में डाली। लेकिन वो अपने बच्चों को पीछे छोड़कर भी आ सकती थी पाकिस्तान, दादा दादी संभाल लेते उनके, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़कर, तो उसे पता था कि अगर वो सचिन के पास चली जाएगी तो क्या पता उसका जो पति हैदर है वो उसे बच्चों को मारे पीटे कुछ करे। उसने अपना मातृत्व धर्म निभाया, वो भी धर्म निभाया और अपने प्यार को भी आगे। तो आप इस पक्ष को रखते हैं कि अगर बच्चों के साथ अगर वो आई है तो ये सही हो सकता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सचिन ने उन बच्चों को एक्सेप्ट किया और वो भी उससे छोटा है, हाँ 24 साल का ही तो सचिन, जो कि 3 साल छोटा है उस लड़की से, सीमा से 3 साल छोटा है, और अगर वो अपनी चीजों को निभा रहा है बखूबी, लाइक वो 4 बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहा है और उस लड़की को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरी नजर से सोनू ठीक है, सचिन सॉरी जी। अब एक और बात, ठीक है, आप किस बात से मान लेते हैं कि भाई उसने अपने बच्चों की जान को खतरा उठाते हुए, खतरा मोलते हुए वो भारत पहुंच गई। अब थोड़े से सवाल जो हैं वो सवाल बनते हैं इस पर, सीमा पर, ठीक है। पहली चीज, सीमा बिलोंग करती है पाकिस्तान के सिंध से, लेकिन खबरों में ये बात सामने आई है कि सीमा को वहां की लोकल लैंग्वेज सिंधी सही से नहीं आती। इस पे आप, क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड से हैं, आपको उत्तराखंड की भाषा आती होगी, आप भी जहां से बिलोंग करते हैं आपको भी वहां की भाषा आती। लेकिन एक बात बताओ, जैसे आप सीमा से अगर पूछ रहे हो कि आपको हिंदी इतनी अच्छी कैसे आती है, आपको वो नहीं आती, मैं बेशक उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, मुझे उत्तराखंड की लैंग्वेज, मुझे गढ़वाली अच्छे से नहीं आती, ऐसा नहीं कहूंगी कि आती नहीं है, अच्छे से नहीं आती, लेकिन मेरे को हिंदी ज्यादा अच्छे से आती है क्योंकि मैं रही यहाँ पे हूँ। पाकिस्तान की भाषा ही उर्दू है। जब हम किसी राज्य में रहते हैं, जब हम किसी देश में रहते हैं, उस देश का एक्सेंट हमारी, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सेंट, पाकिस्तान की जो लैंग्वेज का एक्सेंट है वो हमारी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उर्दू के शब्द ऐसे हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा लहजा एक अलग हो जाता है बात करने का। बट सीमा की हिंदी, जो आपने भी कहा कि वो हिंदी बहुत अच्छी बोलती है, आप भी इस बात से इत्तेफाक करती है, ठीक है, इतनी जल्दी, मतलब जस्ट 3 महीने में उसने इतनी शुद्ध हिंदी सीखी? 3 महीने में नहीं, उसने अगर आपने नोटिस करा होगा तो उसने बोला है कि मैं 3 साल से पबजी खेल रही थी सचिन के साथ,
और ऐसा नहीं है कि वो सचिन अकेले सचिन के साथ खेल रही थी, वो और भी लड़कों के साथ पबजी खेल रही थी वो, तो उसने रेगुलरली उसने बोला अपनी वीडियोस में, वो 3 साल लगातार पबजी में ही बात करती रही सचिन से, जिसने उसे हिंदी सिखाई। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि हमारी रीजनल लैंग्वेज का या जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ का एक्सेंट इतनी जल्दी कोई भी अडेप्ट कर सकता है। एक पॉइंट मेरा इसमें है, लाइक मेरे कितने ही जानकार पाकिस्तान में गए और वो वहाँ रह करके काफ़ी हद तक बिजनेस या काम करने के सिलसिले में वहाँ जाते रहते हैं। उन्होंने हमें आके यही बताया कि वहाँ के मैक्सिमम लोग हिंदी ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो मतलब वो अपनी रीजनल लैंग्वेज क्यों नहीं जानती, जहाँ से वो, जहाँ पे वो इतने साल तक रही है और रहने के बाद उसकी वहाँ पे शादी हुई। अब मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मुझे वहाँ की भाषा तो आती है, ठीक है, ये तो मतलब यहाँ तो ये है कि कोई इंसान वहाँ से उठ के कम्प्लीटली शहरों में वो पढ़ने के लिए चला गया तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो वहाँ की भाषा नहीं बोल पाता, लेकिन वो वहीं पे अगर पली बड़ी है, ठीक है, कोई उसने बहुत हायर एजुकेशन भी गेन नहीं किया कि हम कहें कि वो पढ़ाई के लिए चली गई थी दूसरी जगह पे, फिर यही मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का मतलब ये आप क्या है? कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब उसको नहीं आ रही है, टाइप से कि हो सकता है जो शक की सुई जो सीमा पर जा रही है, हो सकता है कि वो कोई वेल ट्रेन्ड स्पाई हो जिसे इंडिया में भेजा गया हो। बिल्कुल, अब एक बात बताओ, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि वो स्पाई होगी, ऐसी पूरी इंडिया की जनता के दिमाग में भी क्वेश्चन आया। अब सिक्योरिटी चलो उन्होंने नहीं देखा, वो इंडिया आ गई कैसे भी करके, लेकिन जब वो आ गई अपने घर तक पहुंच गई, सोशल मीडिया पर आग लग चुकी है एक तरह से, मैं यही कहूंगी कि हर दूसरा चैनल आप देखोगे यही चला रहा है, तो हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? सबसे पहले वाले दिन उसे घर से निकालकर क्यों पूछताछ नहीं की गई? 4 दिन तक इंटरव्यू देने का अलाउ कर रही है कि सारे लोग इंटरव्यू लें। जब उसकी खबर जब वायरल हुई थी, जब एक पर डेली हर कोई जा रहा है उसके घर पे इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू लेना बंद कर दिए गए हैं आपके, लेकिन तो इससे एक हफ्ते तो एक हफ्ते जाना चाहिए था। लेकिन जब ये खबर जब ये सामने आई थी, जब एक वकील है उनके द्वारा जब कंप्लेन की गई कि ऐसे करके पाकिस्तान से एक लड़की आई है, उसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत उठा दिया। इसमें हमारी फोर्सेस की जरूर कमी है कि वो एक पूरी सीमा लांघ कर वो हिंदुस्तान पहुंच चुकी है, उसके बाद उसे उठा दिया गया। अब उसका केस जो है आगे और हाई कमांड को फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि सीमा के जो पक्ष में जो चीजें आ रही हैं कि वो सिर्फ प्यार के लिए ही, और यही एक एंगल देखा जा रहा है। हम भारतीय हैं, हमें हमारे देश की सुरक्षा का भी जरूर जिम्मा हमारा भी है, हम ये नहीं कहते कि जिम्मा सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ही है, हमारा भी है। और हमें ऐसी अगर कोई चीजें दिखती हैं जिनमें हमें डाउट हो सकता है कि ये चीज हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है, तो उस पर सवाल उठाना हमारा हक है। तो स्वाति, आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश में इतनी अच्छे लेवल की खुफिया एजेंसीज हैं और इतनी सतर्कता रखते हैं वो लोग, तो आपको क्या लगता है वो लोग काम नहीं कर रहे हैं? वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसे हम बाइलक भी बोल सकते हैं, अगर जो अगर प्यार वाला अगर एंगल देखा जाए कि भाई उसको बहुत प्यार है, तो वो बाइलक जो है किसी तरीके से, जैसे उसने ये भी कहा था कि मैंने वहां पे सिक्योरिटी को बोला कि मेरा आई कार्ड जो है वो गुम हो गया है, और उसके बाद मैं थोड़ा रोई तो उन्होंने मुझे जाने दिया क्योंकि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे। Maybe. हो सकता है कि बच्चों को लाने का मकसद ये हो कि एक हमदर्दी वाली, और डाउट नहीं किसी का जाना कि यार इसके साथ तो बच्चे हैं, जो चीजें आपने भी कही, यार इसके साथ तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो इसके जरूरी थोड़ी एक माँ जो है वो बच्चों को खतरे में, अगर उसने इतना कुछ सोचा और वो लाइमलाइट में आ भी गई है, तो अगर उसे अभी पुलिस पकड़ कर ले गई तो उसने ये नहीं सोचा कि वो जो घर पे 4 बच्चे, क्या पता हिंदुस्तान में या इस घर में रहकर जहां उस सचिन का घर है उसके घर वाले सही से रखेंगे, कल के आए हुए लोगों को कोई कैसे समझ सकता है? बच्चों को ना एक ये हर एक इंसान जानता है, और हमारा भारत की अगर स्पेशली बात करें तो इंडिया के लोग बहुत ज्यादा दयावान हैं, हमारे दिल में बहुत दया है, ठीक है, हम क्रूर लोग नहीं है कि हमारे दिल में क्रूरता भरी हो, बच्चों को देखकर हर किसी को दया आ जाती है। आप अगर पूरा थोड़ा सा, लेकिन एज अ मदर फिगर अगर आप सोचो तो किसी के साथ भी आजकल तो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अगर मामा चाचा ये सभी क्यों ना हो, आप अगर कुछ भी ऐसा चीज होती है तो आप बताओगे, तो अगर वो औरत दूसरे मुल्क में लेकर आई है तो एकदम से आप भरोसा कर लोगे? बीइंग अ मदर आप भरोसा कर लोगे स्ट्रेंजर पे? मैं किसी पे भरोसा नहीं कर रही, देखिए उसको तो खुद उसने अपने बच्चों की जान को वही डाला है, ठीक है, और मैं इसको प्यार का एंगल बिल्कुल नहीं समझती कि उसने प्यार के लिए अपने बच्चों को इतनी मुश्किल में डाल दिया, ठीक है। मैं इसको ये भी समझती हूँ कि बच्चे एक हमदर्दी लेने का जरिया हो सकते हैं, क्योंकि किसी औरत को जैसे उसने कहा कि मैं वहां पे रोई, लोगों ने मेरे साथ बच्चे देखे तो उन्होंने मुझे जाने दिया, ठीक है, ये एक हमदर्दी लेने का तरीका भी हो सकता है,
ठीक है, हम नहीं है पूरी तरह से, जैसे उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उसके पासपोर्ट में उसकी उम्र 21 साल थी बट उसने अपनी उम्र 27 साल बताई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस पे डाउट जो है। लेकिन 21 साल की उम्र में चार बच्चे थोड़ा सा, इवन कि जितने बच्चे उसकी बड़े हैं उतने तो मुझे लगता है 27 साल में भी नहीं हो सकते जितने ज्यादा बच्चे उसके बड़े हैं, वो भी चार। नहीं, डिपेंड करता है, शादी थोड़ा सा जल्दी हो सकती है और वैसे इनके केस में तो आई गेस हो जाती है जल्दी। चलिए मैं आपको जस्ट एक अपना एंगल बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमदर्दी का जरिया भी हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब सच्चाई क्या है वो तो चलिए, सुरक्षा पूरी तरह से तैनात हो चुकी है। हाँ, मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब न्यूज देख रहा हूँ या फिर मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, तो जहाँ तक कि हमारी देश की सरकार है तो इसको काफी मतलब लाइटली ले रही है, लाइटली मतलब लिया गया था, लेकिन हम इतने सख्त हों इस वजह से, मतलब हर 2-3 महीने में एक सीमा आनी चाहिए तब जाके हमारा जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये गलत है, देखिए ये गलत है, ये गलत है। समझिए कि जिस तरह से सीमा ने जो रूट अपनाया ना, पाकिस्तान के बंदों को पता चल गया कि अब कैसे भारत पहुंचा जा सकता है। ये गलत है, मतलब ये इतने आसानी से पहुंच गई, मैं तो यही सोच रही हूँ पहुंचा जा सकता है। अब सीमा ने कहीं ना कहीं एक ट्रैक दे दिया है पूरा लोगों को कि किस तरह से आप भारत में एंट्री पा सकते हैं, ठीक है, जो शायद किसी के दिमाग, और दिमाग सोचे इंसान का कितना ज्यादा था और कितने टाइम की प्लानिंग होगी। मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि प्यार के लिए इतने टाइम की प्लानिंग है। सीमा बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है, उसे किसी चीजों का पता नहीं है, बट उसने कहा जब वो पहली बार प्लेन में बैठी उस वक्त ही, मैं आज भी अगर प्लेन से जाती हूँ मैं आज भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इवन कि हमारा ट्रेवल होता रहता है बट मैं आज भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट वो माइंड से कितनी शार्प है कि एक ही बार मैं एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे से चौथे देश, चार देशों को क्रॉस करना, वो भी सेकंड टाइम, पहले अटेम्प्ट में वो नेपाल तक आई, दूसरे अटेम्प्ट में वो हिंदुस्तान तक पहुंच गई। लेकिन प्यार के लिए उसने अपने धर्म भी तो कितनी अच्छे से बदल लिया आते ही। देखिए जिस तरह से हम ये कह रहे हैं, जिस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है ना उसकी, कि वो पाकिस्तानी स्पाई हो सकती है, तो धर्म चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन और जिस तरह से वो पूजा पाठ करती है, इतना गहरा पूजा पाठ, मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान लगातार 3-4-5 साल से उसको प्रैक्टिस हो ना, उसी तरह से वो इतना गहरा, इतना पूजा पाठ कर सकता है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं भगवान को याद करने पर। सीमा हैदर का पूजा पाठ करने का तरीका इतना सही, इतना सटीक है कि हम उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। जितनी ज्यादा क्लीन चिट एक सीमा की दिख रही है, तो उस क्लीन चिट के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ काला जरूर है। आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें मैंने अगर एक चीज देखी है, आप ही लोगों ने दिखाया था आपने इस पर डिजिटल चैनल पर, कि जो हमारा इसका सचिन का जो घर है वो एक लाइक प्लस्तर तक नहीं हो रखा वहाँ, एक दिख रही है काइंड ऑफ। अगर वो ऐसा ही कुछ प्लान करती है तो थोड़ा सा कुछ अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल पे चीजों का शक होता है, बट छोटे लेवल पे चीजों का शक नहीं होता। पर थोड़ा मिडिल क्लास वाला भी होता तो फिर भी सोचते इंसान, मे भी हो सकता है कि पॉइंट सिर्फ एक होगी, हिंदुस्तान की किसी लड़के को पकड़ना और ये प्लानिंग बहुत पहले से हो रही हो, अब वो फंस गया सचिन, ठीक है, चलिए अब सचिन की भी वैसे पूरी बैकग्राउंड की वो जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन फंस गया कोई ऐसा लड़का जिसको अपने झांसे में लिया जा सके। हो सकता है इससे पहले भी सीमा पबजी में कई हिंदुस्तान के लड़कों से मिली हो, ट्राई करी हो, ट्रैप में नहीं आया हो सकता है सचिन, क्योंकि सचिन सीमा देखने में सुंदर है, सचिन फिर भी देखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं। लेकिन स्वाति हम सब यही कह सकते हैं ना, हो सकता है ये हो रहा हो सकता है वो, चीज की पुष्टि हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि पूरे सबूत सामने नहीं आ सकते, लेकिन जो जो चीजें सामने आ रही है वो तो जरूर सवाल उठा, बिल्कुल ठीक है, हम इस पे ये नहीं डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन चीजों, क्योंकि चीज जितनी ज्यादा साफ दिख रही है ना उसके पीछे उतनी ही बुरी चीजें हो सकती है। नहीं, हम डिनाई तो हम भी नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक हम भी कुछ नहीं, खुद मतलब एक हिंदुस्तानी है और हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे देश पर कोई आपत्ति विपत्ति कुछ भी आए किसी भी प्रकार की, क्योंकि हम लोग सेफ तभी है जब हम लोग हमारे देश के अनुकूल चलेंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे, और इस प्रकार से कि पाकिस्तानी लड़की कोई फंसा लूँ, मैं भी फंसा लूँ, फिर उसको बुला लूँ, फिर और 4-5 लड़कियाँ 4-5 लोग और बुला लें, इसी देखा जाए तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग भी आ जाएं जो असामाजिक तत्व हों पर हमारे देश में आकर के वो असामाजिकता फैला दें। और यही असामाजिक जो तत्व है इनका डाउट सीमा पे मेरी तरफ से जा रहा है, मैं नहीं समझती कि ये कम्प्लीटली प्यार का एंगल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्यार का एंगल हो सकता है, आप इस पे श्योर नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है प्यार का एंगल हो सकता है तो ये सब तो आने वाला वक्त हमें बता ही देगा। लेकिन अभी सीमा की जो वीडियोज वायरल हो रही है, हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें सीमा जो है लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने ससुराल में डांस करती हुई नजर आ रही है, जो उसके ससुर हैं, जो उसकी सास हैं, वो पूरे उस पर पैसे
वैसे हिंदी गाने पे, प्रॉपर हिंदी गाने पे, वो स्टार्टिंग से बॉलीवुड की फैन रही है, लेकिन साथ साथ वो क्रिकेट की भी फैन रही है। एक टिकटॉकर भी है शायद, आई थिंक टिकटॉकर पे रील्स वगैरह बनाती है। सामने आई थी शिवानी जैसे बात की, वो क्रिकेट की फैन है, तो उसका फेवरेट क्रिकेटर सचिन है, सचिन तेंदुलकर। तो उसने तभी लड़के को पसंद किया, उसके नाम से ही कम से उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का, उसने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत गई है, वो सिर्फ सचिन से मिलना चाहती है, इसलिए उसने सचिन नाम के लड़के को फंसाया। और उसकी दोस्त ने तो जो बातें कही, खैर वो बातें तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी हमारी बातें इनसे करने में। तो वर्ल्ड कप में सचिन कहां से आएगा, सचिन ने तो छोड़ दिया। वो सिर्फ सचिन को देखना चाहती है कि क्या पता सचिन वहां पे आए, तो वो टीवी पे देख ले अगर इतना, मतलब इतना अगर सचिन से प्यार है, प्यार ये सचिन तेंदुलकर के साथ है या प्यार ये सचिन के साथ है रघुपुरा के, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सचिन। लेकिन आपने बोला कि प्यार ये सचिन के साथ है, तेंदुलकर के साथ या इसके साथ, प्यार तो सच्चा है, हो सकता अगर वो सचिन तेंदुलकर के साथ भी आई है तो प्यार के लिए आई है, तो भी प्यार के लिए आई है, फिर ये प्यार है पाकिस्तान के साथ, जो हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने का सोच सकती है। देखिए धमकियां भी तो कितनी सारी आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, हमें हम उसे भी डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, मैंने भी देखा है कुछ रील्स इस टाइप से बन रहे हैं जिसमें कि लोग धमका रहे हैं कि सीमा को वापस दे दो, नहीं तो हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बम फेंक देंगे। बहुत सारे मंदिरों पर सिंध में अटैक होना भी शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके ऊपर अटैक होना भी शुरू हो गए सीमा की वजह। देखिए हलचल बहुत ज्यादा मचा दी है सीमा ने, हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा एक सीमा आई और सब कुछ चुप हो गया। लेकिन अब अगर सीमा वापस गई तो उसके लिए भी कितना खतरा होने वाला है, अगर वापस उसे भेज दिया तो देश के लिए भी खतरा हो सकता है। स्वाति एक चीज मैं और बोलूंगा, मतलब ये मेरी सोच है, देश दुनिया और सीमाएं ये हम ही लोगों ने बनाई है, जब ये नहीं था प्यार तब भी था, लोग ना जाने कितने किलोमीटर दूर चले जाते होंगे अपने प्यार को पाने के लिए, तब कोई बॉर्डर नहीं होते थे, मतलब ऐसा हमारे पूर्वजों के टाइम में होता रहा होगा शायद, और कोई लाइक एक ऐसा समय रहा होगा जब ये बाधाएं नहीं रही होंगी, प्यार तो लोगों को तब भी होता था, तो अब बाधाएं आने लगी हैं, ये बॉर्डर्स बन गए हैं, बाधाएं बिल्कुल आपने सही कहा, बाधाएं ये जो क्रिएट की गई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये अगर प्यार का सचमुच मामला है तो इस प्यार को भगवान आशीर्वाद दे अपना, लेकिन अगर ये प्यार का मामला नहीं है तो इस पर बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ये तो है, हमें सतर्क रहना चाहिए और इस प्रकार की चीजों से मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो कि किसी दूसरे देश का शख्स जो है हमारे देश में आए और वो किस प्रकार से आया, उसने सब भेदभाव के साथ दिखा दिया तो। कि कैसे हमने ये आपकी सुरक्षा को भेद दिया और हम ये चैलेंज एक ये इसके हम खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ पे सचिन भी तो फिर वो हुआ कि सचिन भी गया था यहाँ से नेपाल, तो घर का बेदी लंका ढाए, वहाँ उसने अपनी लंका ढाई, यहाँ पे सचिन ने अपनी लंका ढाई, दोनों तरफ से गलतियां हैं और हमें उस पर एक संज्ञान लेना चाहिए और हमारे देश की सरकार को थोड़ा ज्यादा अच्छे से इसमें इन्वॉल्व होकर के चीजों को सॉल्व करना चाहिए मुझे लगता है। चलिए अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये असली मामला क्या है, क्या सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की स्पाई है या फिर वो हिंदुस्तान में आई है सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए, तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले वक्त में जो भी आएगा सीमा और हैदर को लेकर, जो भी अपडेट आएगी, या ये अगर फैसला हो जाता है कि वो प्यार के लिए आई है या फिर वो पाकिस्तान की स्पाई के लिए आए, तो हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे और इस पर फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।